Welcome students, in today's lecture we will do question number 2nd exercise 1.4 12th binary operations. For each of the following operation hai defined below, determine whether operation is binary, commutative or associative. Hame check karna hai commutative hai ya associative hai. Commutative ka kya matlab hai? Commutative means A star B is equal to B binary operation A. ये check करना है ये equal है या नहीं. और associative में A star B bracket star C, यानी तीन है यहां पर A B C, तो किसके equal? A operation B binary operation C. तो ये हमें चेक करना है कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है या नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे. ऑन Z डिफाइन A ऑपरेशन B इज इक्वल टू A माइनस B. तो A और B का जो A जो सब्सट्रैक्शन है इसको चेक करना है ये कम्यूटेटिव है या नहीं. तो यहां से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको चेक करेंगे. तो मान लीजिए 2, 3 बिलोंग्स टू जेड. कहां से ले लिए? इंटीजर ले लिए. तो ए ऑपरेशन बी मतलब 2 ऑपरेशन 3 मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड. फर्स्ट माइनस सेकेंड यहां से ए माइनस बी हो गया तो 2 माइनस 3 कितना आ गया? माइनस 1. कितना आ गया? माइनस 1. Now, B operation A means B minus A means यहां से B minus A है तो B कितना है? 3. 3 minus 2 is equal to 1. It means A operation B not equal to B operation A. So, जो first है हमारे पास binary operation, so operation is Not commutative. तो ये commutative नहीं है. अब चेक करेंगे associative में associative चेक करने के लिए हम ले लें 1, 2, 3 belongs to Z. A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. तो पहले A स्टार बी स्टार सी ऑपरेशन सी. ए बी की ऑपरेशन में क्या करेंगे? ए माइनस बी. दिस इंप्लाइज ए माइनस बी स्टार सी. ए माइनस बी कितना हो गया हमारे पास? 1 माइनस 2 स्टार सी कितना है? 3. तो ये हो गया माइनस 1 बाइनरी ऑपरेशन 3. 1 और 3 क्या है? 1 और 3 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 फर्स्ट माइनस सेकेंड कितना आ गया? माइनस 4. अब चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी यानी ऑपरेशन बी और सी की ऑपरेशन करेंगे. पहले ए की जगह पर 1 ऑपरेशन बी की जगह पर 2 माइनस 3. तो ए ऑपरेशन माइनस 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. इसका मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए बी ब्रैकेट में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये बराबर नहीं है. तो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव. तो यह है एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं. ये तो था फर्स्ट पार्ट. आगे देखते हैं सेकंड पार्ट. ऑन क्यू रैशनल नंबर में क्या है ऑपरेशन हमने डिफाइन की हुई? ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1. ए बी प्लस 1 का क्या मतलब है? यानी कि ए और बी दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद साथ में प्लस. तो पहले
ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये चेक करेंगे। इसके लिए क्या बन गया ए बी प्लस वन, इसके लिए क्या बन गया बी ए प्लस वन। आपको पता है जो प्रोडक्ट है ए बी किसके बराबर होता है बी ए के, ए बी किसके बराबर होता है बी ए के, इट मीन्स ए बी प्लस वन इज इक्वल टू ए बी प्लस वन, इट मीन्स ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, द गिवन ऑपरेशन इज कमुटेटिव। तो यहां पर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन थी वो कमुटेटिव है। आगे चलते हैं एसोसिएटिव, ए स्टार बी, फिर उसका हमने स्टार सी करना है, किसके बराबर प्रूव करना है ए स्टार बी स्टार सी। यहां पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी मतलब दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन, ए बी प्लस वन। तो देखिए इसकी ऑपरेशन जब सी से करेंगे तो यहां फर्स्ट एलिमेंट ये पूरा है, ये सेकंड एलिमेंट है, दोनों का प्रोडक्ट और फिर वन, दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये पहला ये दूसरा प्लस वन। अब इसको सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए बी सी प्लस सी प्लस वन, तो ये बन गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ए ऑपरेशन बी, बी और सी का पहले करेंगे तो ए ऑपरेशन बी और सी का करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन, दोनों का प्रोडक्ट प्लस वन, यहां बी सी है तो बी सी प्लस वन। और फिर आगे इन दोनों की करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट, यानी यहां एक ये है एक ये है, ए ये दूसरा प्लस वन, यानी कि ए बी सी प्लस ए प्लस वन। तो देखिए यहां भी एबीसी है, एबीसी है प्लस वन है, प्लस वन है, लेकिन यहां सी है यहां ए है। इसका मतलब क्या है, जो है लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों ऑपरेशन बराबर नहीं है। सो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, नॉट एसोसिएटिव। मेरे ख्याल में ये भी आपको समझ आ चुका है। आगे करते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं ऑन क्यू रैशनल नंबर में जो ऑपरेशन डिफाइन की हुई है हमारे पास, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, क्या हो जाएगा ए बी बाई टू। तो पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिव, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, यानी ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए, तो ऑपरेशन क्या है ए बी बाई टू, तो ए बी बाई टू, ये क्या हो गया बी ए बाई टू। परंतु हमें पता है जो ए बी जो प्रोडक्ट होता है ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बी ए, ए बी बाई टू इज इक्वल टू ए बी बाई टू, तो दोनों बराबर है, दोनों ऑपरेशन बराबर है। सो ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, तो कौन सी है ये कम्यूटेटिव। आगे चेक करते हैं एसोसिएटिव, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए बी की ऑपरेशन क्या है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ओवर टू, यानी कि ए बी बाई टू, फिर किसके साथ करनी है सी के साथ, सी के साथ करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट बटा टू, ए बी बाई टू इंटू सी सारे का टू, जो किसके बराबर आ गया ए बी सी बाई फोर, किसके बराबर आ गया ए बी सी बाई फोर। तो राइट हैंड साइड में चलें, राइट हैंड साइड में ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, बी और सी की पहले करेंगे फिर ए के साथ करेंगे, तो आप देख सकते हैं ए स्टार दोनों का प्रोडक्ट बटा में दो, ऑपरेशन क्या है दोनों का प्रोडक्ट बटा में
दो, अब इनकी फिर वापिस करेंगे दोनों का प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी सी बाई टू बटा में टू दैट इज इक्वल टू ए बी सी बाई फोर। तो दोनों क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। सो गिवन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, तो यह एसोसिएटिव भी है और कमुटेटिव भी है। आगे देखते हैं नंबर चार, फोर्थ पार्ट, ऑन जेड प्लस इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर डिफाइन ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू टू रेज टू पावर ए बी, यानी टू की पावर, दोनों जो हमारे ऑपरेशन में है वो उसकी पावर बन जाएंगे। तो पहले कमुटेटिव चेक करेंगे, कमुटेटिव ए ऑपरेशन बी किसके बराबर चेक करेंगे, बी ऑपरेशन ए। तो यहां के एग्जांपल के थ्रू हम लेंगे ए बराबर कितना ले लें टू, बी बराबर कितना ले लें थ्री। तो यहां चेक करेंगे ए जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों जेड प्लस से, कहां से बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस से। तो ए ऑपरेशन बी मतलब टू ऑपरेशन थ्री, टू की पावर दोनों का प्रोडक्ट, टू की पावर दोनों का प्रोडक्ट, टू रेज टू पावर कितना आ गया सिक्स, टू रेज टू पावर कितना आ गया सिक्स। आगे चलते हैं बी ऑपरेशन ए मतलब थ्री ऑपरेशन टू, दोनों का प्रोडक्ट ही देना है, टू रेज टू पावर थ्री इंटू टू इज इक्वल टू टू रेज टू पावर थ्री। व्हाट इट मींस, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। गिवन ऑपरेशन इज कमुटेटिव, इज कमुटेटिव क्या है, कमुटेटिव है। अब आगे चेक करेंगे एसोसिएटिव चेक करेंगे, एसोसिएटिव किस तरह से, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये लेंगे ऑपरेशन में ए अपन किसी एग्जांपल के द्वारा ए इज इक्वल टू वन ले लें, बी इज इक्वल टू टू ले लें और सी इज इक्वल टू थ्री ले लें, और सारी किससे लेनी है जेड प्लस से, क्योंकि फंक्शन जेड प्लस में है। ऑपरेशन करेंगे वन ऑपरेशन टू, ए यहां पर वन है बी यहां पर टू है ऑपरेशन सी, तो क्या दोनों का प्रोडक्ट दो की पावर में चला जाएगा, वन इंटू टू ऑपरेशन सी, सी कितना है थ्री, टू रेज टू पावर टू ऑपरेशन थ्री यानी फोर, ऑपरेशन थ्री यानी टू रेज टू पावर यहां पर कितना चला जाएगा टू रेज टू पावर फोर इंटू थ्री, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट दो की पावर में चला जाएगा। तो आगे टू रेज टू पावर ट्वेल्व, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया टू रेज टू पावर ट्वेल्व। अब देखते हैं राइट हैंड साइड, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, यानी ए कितना है वन ऑपरेशन टू ऑपरेशन थ्री, टू और थ्री का टू रेज टू पावर ए एंड बी, यहां पर ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू थ्री इस ऑपरेशन में, तो वन ऑपरेशन टू रेज टू पावर टू इंटू थ्री, तो वन ऑपरेशन टू रेज टू पावर सिक्स, वन ऑपरेशन कितना हो गया चौसठ, कितना हो गया चौसठ, तो ये होगा टू रेज टू पावर वन इंटू चौसठ। यहाँ ए बी ये बन गए इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, दोनों का प्रोडक्ट चला जाएगा तो टू रेज टू पावर चौसठ, तो यहाँ टू रेज टू पावर बारह है, यहाँ टू रेज टू पावर चौसठ है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑपरेशन इज नॉट, ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, ऑपरेशन क्या है एसोसिएटिव नहीं है बट कम्यूटेटिव है। आगे देखते हैं पांचवा पार्ट, ऑन जेड प्लस डिफाइन, जो ऑपरेशन हमने डिफाइन की हुई है ए रेज टू बी, यानी फर्स्ट फर्स्ट की जो सेकंड एलिमेंट है पावर में चला जाएगा। तो पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, तो एग्जाम्पल के थ्रू लेट टू एंड थ्री बिलोंग्स टू जेड प्लस, टू टू रेज
टू का ऑपरेशन थ्री के साथ और थ्री का ऑपरेशन टू के साथ। तो जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट की पावर बनेगा टू रेज टू पावर एट, यहां सेकंड एलिमेंट टू है तो फर्स्ट की पावर बनेगा टू, तो एट बराबर में नाइन, जो बराबर नहीं है। इट मीन्स ए ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये बराबर नहीं है, सो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव चेक करते हैं, एसोसिएटिव चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये ले लेंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर एक एग्जांपल लेकर के लेट टू थ्री फोर बिलोंग्स टू जेड प्लस, यहां ए टू है बी थ्री है और सी फोर है, तो देखिए क्या बनेगा, ये ऑपरेशन टू ऑपरेशन थ्री, दोनों में ऑपरेशन सी सी मतलब फोर, तो इनमें ऑपरेशन करेंगे जो है पावर बन जाएगी पहले एलिमेंट की, जो दूसरा एलिमेंट है वो पावर बन जाएगी टू रेज टू पावर थ्री ऑपरेशन फोर, यानी एट ऑपरेशन फोर, एट ऑपरेशन फोर। तो आप देख सकते हैं अब आगे ऑपरेशन करेंगे तो एट रेज टू पावर फोर, तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी और सी पहले लेंगे, ए कितना है टू, तो बी कितना है थ्री ऑपरेशन फोर, तो टू ऑपरेशन फर्स्ट की पावर, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट की पावर बन जाएगा, तो कितना बन गया टू ऑपरेशन, तो तीन गुणा तीन गुणा तीन, तीन तीय नौ, नौ तीय सताइस, दिया इक्यासी, तो आगे क्या आ जाएगा टू की पावर 81। क्या यह दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर, एट रेज टू पावर फोर नॉट इक्वल टू टू रेज टू पावर 81। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है, तो ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, तो यह एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। आप देखते हैं जो लास्ट सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ऑन आर माइनस, यहां पर ये जो फंक्शन है बाइनरी फंक्शन ये डिफाइन नहीं हो रहा है इसलिए माइनस वन डाल दिया, तो डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए ओवर बी प्लस वन, यानी ऊपर फर्स्ट फंक्शन है नीचे सेकंड में एक प्लस किया हुआ है, माइनस वन डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये लिखना जरूरी है। तो कम्यूटेटिव ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये चेक करना है दोनों बराबर में है या नहीं, तो लेट ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू बिलोंग्स टू आर, जो है इससे हमने बिलोंग करता हुआ वन और टू ले लिया रियल में, ए ऑपरेशन बी मीन्स वन ऑपरेशन टू, क्या बनेगा फर्स्ट एलिमेंट ऊपर और नीचे सेकंड प्लस एक, कितना हो गया वन बाई थ्री। अब बी स्टार ए ले तो ऑपरेशन ले तो, यानी कि टू का ऑपरेशन वन के साथ, फर्स्ट एलिमेंट ऊपर सेकंड एलिमेंट प्लस वन नीचे, टू ओवर टू इज इक्वल टू वन, क्या यह दोनों बराबर है? नहीं बराबर, ए ऑपरेशन बी नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, सो ऑपरेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो यह कम्यूटेटिव नहीं है। आगे देखते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, पहले इन दोनों का करेंगे ए बी का, फिर प्लस वन करेंगे, ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू सी इज इक्वल टू थ्री बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस वन, इससे बिलोंग करते हुए हमने ले लिए, तो वन
ऑपरेशन टू, ऑपरेशन थ्री, तो वन का टू के साथ मतलब फर्स्ट एलिमेंट ओवर सेकेंड प्लस वन, ओवर सेकेंड प्लस वन, यानी कि वन बाई थ्री ऑपरेशन थ्री। तो आप देख सकते हैं, तो हम इनकी करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट ऊपर है, फर्स्ट एलिमेंट ऊपर का क्या मतलब है एक बटा तीन, नीचे सेकेंड प्लस वन थ्री प्लस वन, ये कितना हो गया वन बाई फोर थ्री दा ट्वेल्व, कितना आ गया एक बटा बारह आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो बी और सी में पहले करेंगे वन ऑपरेशन टू ऑपरेशन थ्री, तो टू और थ्री में करेंगे तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऊपर सेकंड में एक प्लस हो जाएगा, टू थ्री प्लस वन मतलब वन ऑपरेशन टू बाई फोर, मतलब काट के कितना आ गया वन बाई टू, वन ऑपरेशन वन बाई टू। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ऊपर आएगा इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, नीचे वन बाई टू प्लस वन, तो आराम से करते रहें, इज इक्वल टू वन ओवर थ्री बाई टू इज इक्वल टू क्या आ गया टू बाई थ्री, तो यहां कितना है वन ओवर ट्वेल्व, क्या यह दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या यूं कहें ये दोनों बराबर नहीं है, ऑपरेशन इज नॉट और ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव, यह एसोसिएटिव भी नहीं है और कम्यूटेटिव भी नहीं है। उम्मीद है जो सेकंड सम के जो छह के छह पार्ट थे आपने देख लिए हैं और समझ लिए हैं, इसमें क्या करना था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना था, उम्मीद है आपको समझ आ चुका है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, आपका बहुत बहुत